हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत। यदि आप फाइलेरिया, जिसे आप हाथी पांव भी कहते हैं, यदि इसका आप मरीज हैं तो आपको दही और केले का प्रयोग नहीं करनी चाहिए और हमेशा मच्छरदानी लगाकर आपको सोनी चाहिए। यदि आपको फाइलेरिया हो गया है तो आपको सबसे पहले हाइड्रोकोटाइल 30 2 से 4 बूंद दिन में 3 बार आपको खानी चाहिए कुछ दिन तक। ये दवा से फाइलेरिया का बहुत अच्छे तरह से रोकथाम हो जाता है। हाइड्रोकोटाइल, ये आपको हाइड्रोकोटाइल किसी भी डॉक्टर के सलाह से किसी भी मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध है। ये कुष्ठ रोग में उतना ही कारगर है जितना कि फाइलेरिया में। तो फाइलेरिया के यदि आप मरीज हैं तो सबसे पहले दही और केले का प्रयोग आपको नहीं करनी चाहिए। यदि आपको पैर बहुत ज़्यादा फूल गया है और उसमें घाव बनने लगा है तो ऐसा करते हैं कि यदि फाइलेरिया आपको हो गया है, उस पैर को आपको बचाने की सदैव कोशिश करनी चाहिए। उसमें थोड़ा सा भी यदि घाव हो जाए, छिला जाए, कटा जाए, यानी कट हो जाए, तो आपको उंड हो जाए, तो उसमें पानी आपको बहुत ज़्यादा गिरने लगता है, जिससे कि आपको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और फाइलेरिया के मरीज को मच्छरदानी मस्केटो नेट का आपको ज़रूर प्रयोग करनी चाहिए। एक प्रकार के मच्छर के काटने से होता है। और आपको कहीं बाहर निकलना है, जाना है, तो कई कंपनियां इस समय में मलहम एक तरह का बना रही हैं और उसमें पूरे आप हाथ पैर में लगा कर सो जाएं। कहीं जाना है जहां पर आपको मच्छरदानी नहीं है, मस्कीटो नेट आपको नहीं उपलब्ध है, तो आप वहां से ये कहीं से भी मार्केट में पता करके किसी अच्छे ब्रांड का आपको ख़रीद लेनी चाहिए। बड़ी अच्छी अच्छी कंपनियां भी बनाती है इसको। तो मलहम इसका आता है, पैर में हाथ में लगा कर सोएंगे तो मच्छर नहीं काटेंगे आपको। लहसुन का प्रयोग आपको बहुत ज़्यादा इसमें काम करता है फाइलेरिया में। और फाइलेरिया 100% ठीक हो जाने वाला भी बीमारी है। थोड़ा सा कठिन जरूर रहता है, किसी किसी को दवा भी बदलनी पड़ती है, लेकिन होम्योपैथ पर आप विश्वास रखें। आपको हेट्राजन दवा चला हुआ है और सरकारी अस्पताल के दवा आप खा चुके हैं जो फ्री में मिलता है। क्योंकि फाइलेरिया ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत एक आता है और फाइलेरिया का जांच होता है और ख़ास तरीके का जांच होता है, इजी उपलब्ध नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि फाइलेरिया का जांच कराएं तो पैथोलॉजिस्ट से जाकर आप मिल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर डॉक्टर फाइलेरिया का इलाज आपको ये लक्षण के आधार पर ही करने की कोशिश करते हैं। पैर का मोटा हो जाना, हाथी पांव कहा जाता है बहुत ज़्यादा। किसी किसी मरीज का तो हम देखते हैं कि बड़ी भयानक उनका पैर एकदम मोटा हो जाता है, बिल्कुल हाथी पांव, हाथी एकदम लगता है कि हाथी का पांव रियली है। सबका तो नहीं, किसी को जार बुखार आता है, जार बुखार के साथ आपको आएगा, किसी किसी की स्किन डिजीज आता है, लाल लाल दाने के साथ भी आता है फाइलेरिया में, और स्किन का प्रॉब्लम इसमें देखने को आता है। तो इसमें फाइलेरिया भी आसानी से ठीक हो जाता है 3 माह से लेकर 6 माह, किसी किसी को 1 साल तक लग सकता है, लेकिन 1 साल के पहले लगभग फाइलेरिया के मरीज ठीक हो जाएंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि फाइलेरिया के जो मरीज हैं उन्हें थोड़ा सा धैर्य रखनी चाहिए। कभी कभी होता है कि बढ़िया से बढ़िया, अच्छी से अच्छी दवा देने के बाद में भी दवा काम नहीं करता है। मरीज समझते हैं कि डॉक्टर साहब अच्छे नहीं हैं और इनकी जानकारी नहीं है, योग अच्छे नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। बड़े से बड़े चिकित्सक का भी दिया गया दवा, बड़े चिकित्सक भी देते हैं, वो भी फेल कर जाता है। आपको यदि ये फाइलेरिया हो गया है तो सबसे पहले चीज़ आपको पानी लंबे समय तक इसमें पानी से नहीं गुजरनी चाहिए, तालाब पोखर जो भी है,
उसमें पानी से आपको बचानी चाहिए, दही केले से बचानी चाहिए। एक हमारा गार्ड थे और वो उनको हमने, ये छठ बिहार का महत्वपूर्ण पर्व है, फेस्टिवल है, हमने 4 केले उनको दे दिया। उसके बाद खाकर उन्होंने पानी पी लिया, एकदम लगता था कि भूत खिलाने लगे, और बहुत ज़्यादा उन्हें दिक्कत का सामना करना पड़ा। और उनको फाइलेरिया भी था, पैर से पानी निकलते रहता था। वो सब की दवा तो होम्योपैथिक चलती है तो बहुत हद तक ठीक हो जाता है। इस बीमारी को जड़ मूल से ठीक करने के लिए यदि बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत है तो अंग्रेजी दवा का आप उपयोग कर सकते हैं, साथ साथ में होम्योपैथिक दवा को भी आप ले सकते हैं। ये शोध में आ रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत है और एलोपैथिक दवा पहले से ले रहे हैं, होम्योपैथिक दवा खाते खाते आपको समय लगेगा 15 दिन 20 दिन 1 माह तक। यदि एकाएक आप दवा छोड़ेंगे पहले से जो बीमारी का दवा ले रहे हैं तो आपको हो सकता है कि बर्दाश्त न हो, दिक्कतें काफ़ी आ जाए। तो ज़्यादा दिक्कत है तो आप एलोपैथ के साथ होम्योपैथ ले सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं रहता है, थोड़ा सा अंतर रहनी चाहिए, अंतराल के बाद आप ले सकते हैं। और इसमें ये दूध में कोई देखते हैं कि दूध जो बकरी का दूध होता है उसमें लहसुन पीस कर उसको जहाँ पैर फूला हुआ है वहाँ पर लगाते हैं तो उनका सूजन बहुत हद तक कम होता है। फिर भी इसमें आपको मच्छरदानी का प्रयोग आपको लगानी पड़ेगी, मच्छरदानी का प्रयोग करनी पड़ेगी आपको। फल फ्रूट से भी किसी को दिक्कत हो सकता है, लेकिन बीमारी ठीक हो जाने के बाद में ये आपका फाइलेरिया आप में, आप कोई भी चीज़ खाएंगे तो आपको नुकसान नहीं करेगा। सबसे पहले ये बीमारी का इलाज करने के बाद टेस्ट ही कराया जाता है कि सब कुछ खिला कर देखा जाए। यदि सब कुछ खाने के बाद में फाइलेरिया आपका बैक नहीं हो रहा है तभी समझा जाता है कि फाइलेरिया आपको बिल्कुल जड़ से चला गया। लेप्रोसी से ये भी कमजोर नहीं है बीमारी। हम देखते हैं कि लेप्रोसी के बाद भी बहुत संख्या में सर्च कर रहे हैं, सलाह ले रहे हैं। यदि आपको फाइलेरिया हो गया है और तमाम तरह का आप चिकित्सा ले लिए हैं उसके बाद भी आपका बीमारी ठीक नहीं होता है तो हमने 66 साल के मरीज का हमने ट्रीटमेंट किया, हमने लाइव किया, वो 66 साल पुराने यानी 1957 का फाइलेरिया भी ठीक हुआ। हमें जानकर आश्चर्य लगा कि इतने पुराने फाइलेरिया को भी होम्योपैथिक दवा ठीक कर सकता है, लेकिन ये सत्य है। हमने लाइव भी किया है उनका और वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने फाइलेरिया का जो दवा हमने चलाया वो सभी मरीजों को सूट कर जाएगा, ऐसा भी नहीं है। हर मरीज का अलग अलग दवा होता है और बहुत मरीज का कॉमन दवा भी होता है, उनका जिससे ठीक हुआ बहुत लोग को उस दवा से ठीक भी हो जाएगा। तो आप धैर्यपूर्वक घबराए नहीं, कई फार्मूला की दवा होती है और सभी दवाओं को एक बार तो दिया नहीं जा सकता है। उसमें से आपको लक्षण के अनुसार हम दवा चलाने की कोशिश करते हैं ताकि आपकी बीमारी जड़ मूल से ठीक हो जाए। उसके बाद भी हमारी कोशिश है कि आपका बीमारी जड़ मूल से ठीक हो जाए। यदि दवा सिम्टम लक्षण के आधार पर दिया गया, यदि सही मिलान हो गया है तो आपको मरीज को ठीक होना ही है। कभी कभी होता है कि बढ़िया से बढ़िया दवा देने के बाद भी आदमी चूक जाता है, तब भरोसा रखें, धैर्य रखें, होम्योपैथिक विधि द्वारा आपका फाइलेरिया 100% ठीक होगा। आपका इसमें बिल्कुल शक की गुंजाइश नहीं है। फाइलेरिया तो देखने के बाद में मन घबरा जाता है, इतना मोटा मोटा पैर, आप बताइए उतना मोटा पैर बहुत कम समय में कैसे ठीक हो सकता है, इसका ऑपरेशन नहीं करानी चाहिए। हमारे गांव में एक बहुत, हम लोग जो छोटे थे उस समय में एक भुंजा बेचते थे, उन्हें फाइलेरिया हुआ और उनका फाइलेरिया हाथी पाँव में बदल चुका था, यानी हाथी पाँव मोटा हो गया था। उन्होंने ऑपरेशन कराया, सक्सेस भी नहीं हुआ, अंत में उनकी डेथ हो गई। तो कभी भी फाइलेरिया का आप ऑपरेशन न कराएं, ये हाइड्रोसील का भी ऑपरेशन न कराएं, पैर में है हाइड्रोसील पर है, हाथ में है, और किसी महिला को छाती में गिल्टी भी हो जाता है
फाइलेरिया के वजह से आप उसका ऑपरेशन हरगिज ना कराएं, नहीं तो आपको ब्रेस्ट काट कर फेंकना पड़ेगा और आपको आकस्मिक डेथ भी हो सकती है सर्जरी की वजह से। एक तो स्त्री है तो एक बिना ब्रेस्ट का कैसी लगेंगी अगर कट जाए तो हम समझते हैं कि घबराएं नहीं और धैर्यपूर्वक इसका आप सलाह लेते रहिए और होम्योपैथिक दवा का इस्तेमाल कीजिए। हमने आपको बताया कि जैसे आपको फाइलेरिया मालूम चले लक्षण से आपको हाइड्रोकोटाइल दवा ले सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। फाइलेरिया संबंधी, हाथी पांव संबंधी यदि आपको किसी भी तरह का सवाल है, जानकारी लेनी है, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 9801757533 यानी 9807755533 पर आप राय ले सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपका कितना भयंकर, कितना पुराना फाइलेरिया है तो आपको ठीक होकर रहेगा। थोड़ा सा आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है। मैं आशा करता हूँ कि मेरे विचार को आप ज़रूर समझेंगे और धैर्य बनाए रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।